अपने 1% रिस्क को यूज करते हुए साइतामा ने एक छोटा हाथ मार लिया है, विच आई मीन की तात्सुमाकी। इनफैक्ट साइतामा ने उसे इस हद तक इम्प्रेस किया है कि तात्सुमाकी ने अब उसे अपना गोल बना लिया है। It should have been me, not him. It's not fair. Yes, वही तात्सुमाकी जो कि किसी का नहीं सुनती थी, अब वो साइतामा को एज अ हैंडसम मैन देखती है। आखिर कैसे तात्सुमाकी का फीलिंग साइतामा के लिए राइज हुआ, जब वो किसी भी ह्यूमन के ऊपर तरस नहीं खाती एक्सेप्ट ब्लास्ट और फुबुकी। वेल, चैप्टर नंबर 182 ऑफ वन पंच मैन इसी चीज के साथ स्टार्ट होता है। तात्सुमाकी अपने फुल पावर को यूज करती है फॉर नथिंग। इवन आफ्टर साइतामा को बिल्डिंग फोड़ फोड़ के निकाला जाता है, वो स्टिल अपने घुटनों पे खड़ा होता है और अपने बिजनेस को माइंड करता है और टोर्नेडो दी तात्सुमाकी को शांत कराने का कोशिश। रिमेम्बर, जब तात्सुमाकी अपने फुल पावर को यूज कर रही है, साइतामा जस्ट उससे पीछा छुड़ाने का ट्राई कर रहा है, वो बस खड़ा है एंड स्टिल वो सबसे जीत रहा है। उनका फाइट फुबुकी, या फिर हम कहे एक्स फुबुकी गैंग, वो इस फाइट को देख के कम्प्लीटली कांपने लगते हैं। इनके पावर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये इवन हीरो एसोसिएशन के एनर्जी रीडिंग को भी तोड़ रहे हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट चीज है जो कि तात्सुमाकी चाहती है, वो इस अनकंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ पावर को दिखाती है ताकि फुबुकी के उस सिम से भरे आर्मी को उनकी वैल्यू पता चले कि उनकी वजह से फुबुकी का पोटेंशियल पीछे होल्ड हो रहा है। और इनफैक्ट आफ्टर द इवेंट ऑफ चैप्टर 177, जहाँ पे फुबुकी की आर्मी उसी के पीछे छुपी हुई थी, जिसके चलते ऑलमोस्ट फुबुकी मर जाती, तात्सुमाकी को लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रही है अपनी बहन को इन सिम्प आर्मी से दूर रख के। इन बैकग्राउंड गुस्से के चलते वो ऑल आउट जाती है अगेंस्ट साइतामा, लेकिन मीनवाइल साइतामा बिना किसी एफर्ट के ही अनहार्म्ड है। सीरियसली, साइतामा टोर्नेडो को सर्वाइव करता है, तात्सुमाकी के कुछ साइकिक एनर्जी, इनफैक्ट पूरे अर्थ के बाढ़ के अंदर उसे डुबा देना, जस्ट कि वो बिना किसी एफर्ट के अनहार्म्ड हो। ये सारी चीजें ऑब्वियसली तात्सुमाकी को सरप्राइज करती है। तात्सुमाकी देन काफी गुस्से में आ जाती है जब साइतामा उसे कहता है कि शायद से वो थक रही है। लेकिन यहाँ पे द मेजर डिफरेंस ये है कि इन द वेब कॉमिक्स असल में तात्सुमाकी ब्लीडिंग होके थकती है, लेकिन अब वो यहाँ पे इसलिए थक रही है क्योंकि वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को फेस कर रही है। वेल, लेट अस नो कि तुम्हें कौन सा वर्जन पसंद है। However, लेकिन स्टिल साइतामा यहाँ पे तात्सुमाकी से बातें करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वो इतने फोर्स का इस्तेमाल करती है जितने में कोई इवन स्पेस पहुंच जाए, लेकिन जैसा कि हमें पता है साइतामा इज बिल्ट डिफरेंट। सी मेंशंस कि साइतामा उसे इतना हैवी लग रहा है कि वो जस्ट उसे थोड़ा बहुत ही उठा पा रही है। तात्सुमाकी ऑल आउट जा रही है और साइतामा जस्ट चिल कर रहा है, इनफैक्ट उसे ऑसम कह के अप्रिशिएट करते हुए। यस, लेकिन तात्सुमाकी वही पर्सन है जो कि कंट्री साइज एक मॉन्स्टर एसोसिएशन को ही उठा सकती थी। नेवर्थलेस, इनफैक्ट अर्थ के ही एक डेप्थ से, येट साइतामा जस्ट एक ह्यूमन उसके लिए एक लिमिट बन रहा है। तात्सुमाकी के उस लुक को देख के साइतामा कहता है कि वो घबराए ना, क्योंकि वो उसका एनिमी तो नहीं है। एंड जिसमें तात्सुमाकी रिस्पॉन्ड देती है, तात्सुमाकी साइतामा को कहती है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो साइतामा के साथ फ्रेंड्स होगी। लेकिन सीक्रेटली इस छोटे से दिमाग के अंदर तात्सुमाकी ये सोच रही है। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जब साइतामा तात्सुमाकी के इनसिक्योरिटी को ब्रेक करता है। वेल, साइतामा को देख के ऐसा नहीं लगता, लेकिन उस दिमाग में बहुत कुछ चलता है। वो किसी के साथ भी अच्छी तरीके से जुड़ सकता है। जब हीरोज को ये इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ पावर मिलता है, देन वो अपने ईगो के अंदर दबते हैं, जिसके चलते वो अपने रियल सेल्फ से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोनिक, फ्लैशी फ्लैश, जेनोस, गारो और अब इवन तात्सुमाकी भी। तात्सुमाकी ह्यूमन रिलेशन को काफी लाइटली लेती है, और अब जब वो फुबुकी के असिस्टेंट से लड़ रही है और वो जीत नहीं पा रही, ये चीज काफी रियली हर्टफुल है। तात्सुमाकी अपने सारे एनर्जी को ड्रेन कर देती है और एट दिस पॉइंट वो एक ड्रीम में चली जाती है, और ये मेमोरी और कुछ नहीं बल्कि उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है विद द नंबर वन हीरो ब्लास्ट। हमें ये चीज दिखाया जाता है कि इंटायर एटीट्यूड और वो जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है, वो इसलिए है क्योंकि वो उस दिन ब्लास्ट से मिली थी। ब्लास्ट ने तात्सुमाकी से कहा कि तुम कभी भी किसी और से हेल्प का एक्सपेक्ट मत करना।
तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि तुम खुद ही अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको। देखो तात्सुमाकी ने ये माइंडसेट ग्रो किया कि उसे इतना पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि वो खुद ही अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इस आइडियोलॉजी से वो काफी पावरफुल तो बनी, लेकिन इसी चीज ने उसे काफी हद तक ट्रॉमेटाइज्ड भी रखा। देखो तात्सुमाकी को लगता था कि जीने का ही यही एक प्रॉपर तरीका है। दैट्स द रीजन कि वो चाहती थी कि उसकी बहन फुबुकी भी इसी वे को फॉलो करे। इन शॉर्ट तात्सुमाकी का ये आइडियोलॉजी है Only the strong matters. Well now, अब साइतामा को तात्सुमाकी वैसे ही देखती है जैसे वो ब्लास्ट को देखती है। साइतामा के लिए उसका रिस्पेक्ट और बढ़ रहा है, लेकिन this time not only because of his strength, लेकिन also because of his belief. साइतामा के साथ बैटल के बाद तात्सुमाकी ने काफी कुछ सीखा है। After all, ये दोनों काफी सिमिलर है। From the chapter 2 of the manga, साइतामा तब से ही depressed था। जब वो अपने पहले मॉन्स्टर से लड़ता है, वो खुल के कहता है कि अब उसके पास जीरो केयर है। वो अनएम्प्लॉयड था, वो फेलियर था, एंड उसे लगता था कि अब वो इवन डेंजर से भी नहीं भाग सकता। लेकिन इवन आफ्टर उसका ग्लो अप, ही स्टिल सेज कि वो अभी भी डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो पहले डिप्रेस्ड था क्योंकि वो एक फेलियर था, और अब वो डिप्रेस्ड है क्योंकि वो फेलियर को नहीं चख सकता। साइतामा अपने आप से कई बार पूछता है कि स्ट्रेंथ तो उसे मिल गया, लेकिन उस स्ट्रेंथ के चलते क्या उसने क्या एक वैल्यूएबल चीज खोई है एज अ ह्यूमन बीइंग? सिमिलर चीज तात्सुमाकी के साथ है। उसके पास स्ट्रेंथ है, देयरफॉर उसके पास प्राइड है, लेकिन सिंस उसके पास प्राइड है, वो अब ह्यूमन कनेक्शंस को नहीं समझ पा रही। इवन साइतामा, जिसने अपने आप को इस हद तक ट्रेन किया कि देयरफॉर अपना लिमिटर ही तोड़ दिया, इवन वो भी दूसरों से गाइडेंस लेता, और उसके केस में इट वॉज नन अदर देन किंग। किंग ने साइतामा को ये चीज कहा, नो मैटर कि आखिर वो कितना ही पावरफुल बन जाए, लेकिन अगर वो अपने ह्यूमन साइड को नहीं छू सकता, देन वो हमेशा अपने पोटेंशियल को आगे जाने से रोक रहा है। और ये सेम मैसेज है जो कि साइतामा अब तात्सुमाकी को दे रहा है। साइतामा का कहना है कि तुम चाहे जैसे भी जी सकते हो, जितना चाहे गुस्सा कर सकते हो, लेकिन डोंट ब्रेक अदर पीपल्स स्टफ। नाउ आखिर इसका मीनिंग क्या है कि तुम भले ही जिस चीज पे भी बिलीव करो, लेकिन अपने उस बिलीव को किसी और पे इतना मत ठोको कि तुम्हारा रिलेशन ब्रेक हो। अगर वो ये कर पाती है, देन वो अपने ह्यूमन साइड से और कनेक्टेड होगी, देयरफॉर अपने रियल पोटेंशियल से और कनेक्ट। साइतामा असल में एक पिनेकल है ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन स्टिल उसका भी मानना है कि बीइंग स्ट्रॉन्ग डजंट मीन प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड। वो चीज हमेशा पीपल से ही होगा। तुम लोगों के बारे में कैसे सोचते हो और क्या सोचते हो, यही चीज तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने पे हेल्प करेगी। दैट्स द रीजन कि इन चैप्टर 182 साइतामा का कहना है कि कई बार प्रोटेक्टिंग समवन इज जस्ट कि उन पे बिलीव करना। देयरफॉर डायरेक्टली इंडिकेट करते हुए फुबुकी को, वो कभी भी एक ट्रू ह्यूमन नहीं बन पाएगी अगर हम उस पे बार बार चीजें थोपते गए तो। नाउ यही वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे हमारी शिप सेल होने वाली है। इन चैप्टर 182 ये चीज स्टेटेड था कि वो साइतामा के साथ फाइट को एंजॉय कर रही थी। इस टाइप की फीलिंग्स उसने कभी एंजॉय नहीं करी थी सिंस उसे पहली बार ऑल आउट जाने का मजा आ रहा था। देयरफॉर जिसके चलते तात्सुमाकी फाइनली अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल पा रही थी। देयरफॉर लीडिंग टू साइतामा, जब साइतामा पूछता है क्या वो ठीक है, वेल ये डेफिनेटली शिप को कंफर्म करता है राइट? नहीं, इट जस्ट मींस कि अभी भी तुम्हें ग्रास को टच करना है। वेल साइतामा का कहना है कि तात्सुमाकी का रेंज काफी इंप्रेसिव है और उसे ये चीज काफी अच्छा लगा। तात्सुमाकी इनफैक्ट इस कॉम्प्लीमेंट को काफी ब्लश करके लेती है। ओके, अब उसने कॉम्प्लीमेंट किया, नाउ अ फाइनली शिप कंफर्म हो चुकी है राइट? नहीं, नॉट येट। वेल तात्सुमाकी चाहती थी कि ब्लास्ट उसे अब लाइफ में लीड करे, लेकिन अब साइतामा ही वही एग्जैक्ट चीज कर रहा है। वो तात्सुमाकी से काफी स्ट्रॉन्गर है, बट स्टिल वो उसके इक्वल रहता है, और ये एक एग्जैक्ट रिलेशन है जो कि तात्सुमाकी को अभी उसके लाइफ में चाहिए, क्योंकि एट द कॉन्ट्ररी ब्लास्ट उसके लिए काइंड ऑफ एक गॉड फिगर है। लेकिन बिफोर की शिप हमारी सेल होती, वेल साइतामा की दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाती है। फुबुकी इस चीज को मेंशन करती है कि उसने अपने ग्रुप को डिसबैंड कर दिया है। तात्सुमाकी इस चीज से काफी खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि बैकग्राउंड से नहीं लगता कि शायद से उसकी टीममेट्स उसके डिसीजन से एग्री करते हैं। वो स्टिल फुबुकी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो स्टिल फुबुकी को सर्व कर सकते हैं, जिसके चलते तात्सुमाकी को और गुस्सा आता है। तात्सुमाकी इस हद तक जाती है कि वो इवन अपने ग्रुप पे अटैक करती है, सेइंग दैट कि अगर वो उसके अटैक को ही डिफेंड नहीं
कर पाए देन वो कैसे तात्सुमाकी के अटैक को डिफेंड करेंगे। और इस चीज के चलते फ्यूचर लव बर्ड्स को थोड़ा सा और चांस मिलता है कि वो बातें कर सके। साइतामा यही कहता है कि फुबुकी के टीम को जैसा था वैसा ही रहने दे, सिंस साइतामा भी किसी एक वुल्फ लेवल थ्रेट को भी डिफीट नहीं कर पाता था। लेकिन अब तुम साइतामा को देखो, इवन दो फुबुकी का ग्रुप अभी भी वीक है, लेकिन ये चीज ये नहीं दिखाती कि उनका लिमिट कितना है। नो मैटर कि तुम कहीं पे भी स्टार्ट कर रहे हो, तुम स्टिल ह्यूमन के एक पिनिकल को पहुंच सकते हो। इस जस्ट की इस चीज में काफी ज्यादा इनफैक्ट काफी ज्यादा ट्रेनिंग और विल पावर की जरूरत है। साइतामा ने यही चीज सबको सिखाया है और अब ये टाइम है तात्सुमाकी का, और हिस्ट्री में पहली बार तात्सुमाकी किसी का बात सुनती है। सारे लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि तात्सुमाकी किसी और को सुनती भी है रादर देन हरसेल्फ। यस, अब फाइनली प्रूफ हो चुका है कि इस शिप में काफी ज्यादा दम है, क्योंकि तात्सुमाकी को एक दूसरा डेट भी चाहिए। ये बहाना देते हुए कि साइतामा के साथ वो इवन ऑल आउट जा सकती है, लेकिन ऑन द सेकंड डेट साइतामा का घर सेंसर्ड होगा। वेल, आज के लिए भी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।